नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है खरक्वाल्स किचन में। आज एक रेसिपी और लेके आई हूँ, लौकी के लड्डू। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ले रखी है मैंने लौकी, एक लौकी ली हुई है। ये मैंने ताज़ी लौकी ली है, हमें यहाँ पे ताज़ी लौकी लेनी है। और लौकी को दो हिस्सों में काट कर लेंगे और इसको अच्छे से छील लेंगे। यहाँ पे मैंने लौकी को अच्छे से छील लिया है और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। लौकी के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे लौकी के अंदर के हिस्से को नहीं लेना है, इसको काट के निकाल लेंगे। बाहर के हिस्से का लड्डू बनाना है और अंदर का सारा निकाल लेंगे। और जो ये अंदर का होता है गाइस, इसके आप सब्जी जूस बना सकते हो। और मैंने ये अंदर का सारा निकाल लिया है। और लौकी कस लेंगे, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लौकी को कस लिया है। मैंने यहाँ पे लौकी को मीडियम साइज से कस कर लिया है। और गैस ऑन करेंगे, इसमें रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे एक चम्मच घी। घी हमें ज़्यादा नहीं लेना है। इसमें डालेंगे लौकी और लौकी को अच्छे से मिला लेंगे। लौकी को अच्छे से मिला लेंगे और देख सकते हैं लौकी की बर्फी लड्डू बहुत अच्छे होते हैं। देख सकते हैं आप लोग गाइस, कितना देख सकते हैं लौकी पानी छोड़ना शुरू कर लिया है। अब हमें लौकी को इसी पानी में पका लेना है अच्छे से। इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर और अच्छे से मिला लेंगे। गाइस लौकी की बर्फी तो बहुत ही टेस्टी होती है, एक बार बनाइएगा आप लोग भी। और इसको दो तीन मिनट ढक के पका लेंगे। दो तीन मिनट हो गए हैं, यहाँ पे मैंने लौकी को अच्छे से हल्का सा पक चुका है लौकी। अब इसमें डालेंगे चीनी और चीनी को भी अच्छे से मिला लेंगे। देख सकते हैं चीनी डालने के बाद पान लौकी काफ़ी पानी छोड़ लेता है। देख सकते हैं कितना पानी निकल चुका है। और इसको थोड़ा सा मिला के इसको ढक लेना है हमें, और ढक के दो तीन मिनट और पका लेने हैं। दो तीन मिनट और पका लिया है लौकी को, और इसमें और अच्छे से चला लेंगे। फिर इसमें डालेंगे मैंने मलाई, आप यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज भी कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे मलाई ली है, और मलाई भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट को भी अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे फ्रूट कलर, यहाँ पे फ्रूट कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि फ्रूट कलर से थोड़ा अच्छा सा दिखता है, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रूट कलर यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पक चुकी है लौकी। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने लौकी को एक बर्तन में निकाल लिया है, और इसको ठंडा होने के बाद लड्डू बांध लेंगे। लौकी ठंडा हो चुका है, अब लड्डू बांध लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लड्डू बांधना शुरू कर लिया है। दो तीन लड्डू बांध के दिखा देती हूँ, काफ़ी ईजी होते हैं लौकी के लड्डू बांधना। देख सकते हैं कितने अच्छे से बच जा रहे हैं ये। और दो तीन लड्डू बांध के दिखा देती हूँ मैं, इस तरह से बांधेंगे। देख सकते हैं गाइस कितने अच्छे लड्डू बनके तैयार हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने सारे लड्डू बांध लिए हैं। अब इसमें पे थोड़ा सा करेंगे ड्राई फ्रूट की गार्निश।
और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट की गार्निश कर ली है। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छी लौकी के लड्डू बनके तैयार हुए हैं। गाइज अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।